Hello students, let us learn the last topic of the unit 3. Yes, jo hai hamara constructing tree from postfix expression, yani ki hum isko bol sakte hain, that is a application of tree. Yes, or evolution of the tree. Now in this particular हम बोल सकते हैं हमारे पास इनफिक्स एक्सप्रेशन होता है, उसको हमें क्या करना है, पोस्टफिक्स में कवर करना है, कन्वर्ट करना है, और उसके बाद हम ये चीज़ फॉलो करेंगे. यस, रूल सिंपल है डेट कोई भी ऑपरेशन करना है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा भी रूल फॉलो करना है. यस, सो पुश ऑपरेंड ऑन द स्टैक. अगर ऑपरेंड आता है तो हमें स्टैक में जाने देना है, और अगर ऑपरेटर आता है तो हम वन स्टैक में से पॉप करेंगे. यस, एंड वापस से वो जो ट्री बना उसको हम क्या करेंगे, स्टैक के अंदर पुश करेंगे. यस, और ये स्टेप हमें फॉलो करना है अप टू द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन. यस, ये हमारे पास पहले से ही एक कन्वर्टेड एक्सप्रेशन है पोस्टफिक्स का, ए बी सी स्लैश प्लस डी माइनस. यस, सो जैसे मैंने बोला कि ऑपरेंड आता है तो ऑपरेंड हमें क्या करना है, स्टैक में जाने देना है. पहले ए आया तो सबसे बॉटम में क्या जाएगा, ए जाएगा. उसके बाद बी आया तो सबसे ए के बाद बी, सी आया तो टॉप पर क्या रहेगा, सी. तो ये सब कुछ हमें स्टैक में जाने देना है. उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर ये स्लैश आया तो हमें पॉप करना है ये टू एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक. पहले वाला एलिमेंट पॉप होके राइट में जाएगा और दूसरे वाला एलिमेंट पॉप होके लेफ्ट में जाएगा. सो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा ऐसा ट्री होगा, लेफ्ट राइट हैंड साइड में सी और लेफ्ट हैंड साइड में बी, और ये जो हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, ट्री वन. इसका हमने एक नाम दे दिया ट्री वन, और ये ट्री वन को हमें क्या करना है, यहाँ पर स्टैक में जाने देना है. यस, फिर बाद में हम क्या करेंगे, प्लस आया तो ये दो ऑपरेंड हम पॉप करेंगे. जो पहले वाला होगा वो राइट साइड आएगा और जो ए होगा वो लेफ्ट साइड जाएगा. यस, सेकंड वाला इस साइड जाएगा. सो ये जो बना, अभी भी हमारा एक्सप्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है. अगर हम ट्री वन को एक्सपांड करेंगे तो स्लैश क्या होगा, बी एंड सी. यस, क्योंकि ट्री वन में यही हमने स्टोर करके रखा हुआ था. तो ये ट्री वन हमने एक्सपांड कर लिया, और ये क्या है, ट्री टू हमने बोल सकते हैं, और ये हम पुश करेंगे यहाँ पर स्टैक में. फिर बाद में आया हमारा डी, डी आता है तो ऑपरेंड है तो हम यहाँ पर स्टैक में जाने देंगे. फिर बाद में आया हमारा माइनस, सो डी राइट साइड में पॉप होगा, और ट्री टू कहाँ पर पॉप होगा, लेफ्ट साइड में. ट्री टू को हम वापस से एक्सपांड करेंगे तो हमारा ऐसा ट्री क्रिएट होगा. यस, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये पोस्टफिक्स हमें पहले चाहिए, उसके बाद ही हम उसको ट्री में कन्वर्ट करेंगे. इसको हम बोल सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ द ट्री. यस, और वी कैन से एप्लीकेशन ऑफ द ट्री. सेम वे एक दूसरा एक एक्सप्रेशन है उसको हम कन्वर्ट करेंगे. यस, और उसके बेस पर हम ट्री क्रिएट करेंगे. तो ट्री हमारा ऐसे क्रिएट हो सकता है. ओके, दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि ये मेरे पास ज़्यादा डिटेल में अवेलेबल नहीं है तो मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूँगा. ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है, उसको वन बाय वन पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया है, उसके बाद ये वाला जनरेट हुआ. यस, और उसके बेस पर ये वाला ट्री क्रिएट होना चाहिए. वो कैसे क्रिएट होता है वो देखते हैं. पहले क्या आया, ए एंड बी, ए एंड बी जैसे आया उसको वन बाय वन हम स्टैक में डाल देंगे. फिर बाद में आया स्टार, स्टार आता है तो हम वन बाय वन पॉप करेंगे ऑपरेंड को. पहले बी पॉप होगा उसके बाद ए. यस, और इसको हम बोलेंगे ट्री वन. ट्री वन कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा. फिर बाद में आया सी, तो हम डायरेक्टली सी को कहाँ पर पुश कर देंगे, स्टैक के अंदर. यस, फिर बाद में आया माइनस, माइनस जैसे ही आता है हम सी राइट हैंड साइड में आएगा और ट्री वन यहाँ पर आएगा. ट्री वन को एक्सपांड करेंगे, ऐसा ट्री होगा, और ये जो नया ट्री हुआ है उसको हम नाम देंगे ट्री टू. ठीक है, उसके बाद आया एफ एंड डी.
सो एफ एंड डी हम यहाँ पर रखेंगे, और फिर बाद में आया ये, यस। और इसको हम ट्री बनाएंगे और उसका हम नाम देंगे ट्री थ्री, यस। ट्री थ्री ये दोनों स्टैक में अभी रहेगा। फिर बाद में आया जी, जी आता है तो हम डायरेक्ट उसको स्टैक में जाने देंगे। फिर बाद में आया मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन जैसे ही आता है हम क्या करेंगे, दो पॉप करेंगे एलिमेंट, राइट हैंड साइड में क्या जाएगा जी और लेफ्ट हैंड साइड में क्या जाएगा ट्री थ्री, यस। और ये जो नाम है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्री फोर। और ट्री फोर को हम यहाँ पर जाने देंगे, यस। सो अभी हमारा आया लास्ट एलिमेंट, दैट इज द प्लस, प्लस आया तो यहाँ पर क्या आएगा, ट्री थ्री एंड ट्री टू। टी थ्री को हम यहाँ पर एक्सपांड करेंगे और ट्री टू को हम यहाँ पर एक्सपांड करेंगे, तो हमारा ये पूरा ट्री बन जाएगा फ्रॉम द एक्सप्रेशन, यस। तो यहाँ पर हमारा यूनिट 3 कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।